वहाँ की लोकल जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस टनल का क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन जब अगर किसी को बीमार हो गया कोई लाहौल स्पीति और उस एक्सिस में, तो वहाँ से उसको एयरलिफ्ट किया जाता था हेलीकॉप्टर वगैरह, और तो कोई रास्ता था नहीं। इस टनल के बनने से आप ये मानिए कि मनाली से अगर आप शुरू करें तो फलचान 10 किलोमीटर के आसपास है, 14 किलोमीटर का आपका अप्रोच है, तो ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर तो ये हो गया। तो ये आपका हार्डली 40-45 मिनट्स में आप रोहतांग टनल में पहुंच जाते हैं, फिर 20 मिनट में आप रोहतांग टनल क्रॉस कर जाते हैं, एंड देन उसके बाद आप बुक्सर वगैरह क्रॉस हो जाए। तो 6-8 घंटे से आप 2-2.5 घंटे में यू आर रीचिंग टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जब अटल टनल बनी तो बुक्सर वाले एक्सिस में और नॉर्थ पोर्टल वाले एक्सिस में तो वो लोग इतने इमोशनल थे और काफी खुश थे, उनको एक तरह से एक लाइफ लाइन मिल गई, कभी भी बीमार हुआ तो एटलीस्ट उसको लिफ्ट किया जा सकता है, एक पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत ही इमोशनल बात कर दी आपने, बात सुन के मतलब मैं खुद इमोशनल हो गया हूँ सर। किसी के घर में कोई बीमार है और किसी को कहीं पहुंचना और पहुंचना नामुमकिन हो, उसको मुमकिन कर दिखाना बहुत ही खूबसूरत बात है सर।